मधुमक्खी पालन मधुमक्खी कॉलोनिया का रखरखाव है। आमतौर पर मानव निर्मित हाइव्स में मनुष्य द्वारा अधिकांश मधुमक्खियां जिन एपिस में मधुमक्खियां होती हैं, लेकिन अन्य शहद बनाने वाली मधुमक्खियां जैसे मेलिपोना डंक रहित मधुमक्खियां भी रखी जाती हैं। मधुमक्खी पालक मधुमक्खियों को अपने शहद और अन्य उत्पादों को इकट्ठा करने के लिए रखता है, जो छत्ते का उत्पादन पराग फसलों के लिए या अन्य को बिक्री के लिए मधुमक्खियों का उत्पादन करने के लिए करते हैं। बी कीपर्स एक स्थान जहां मधुमक्खियों को रखा जाता है उसे मधुमक्खी यार्ड कहा जाता है। ये मधुमक्खी पालन ये हम घूम घूम के फूलों पे लगाते हैं, इसका रस इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद हम इसको बेचते हैं। ये नेचुरल होते हैं, जहाँ पे भी फ्लावरिंग किसान की है वहाँ पे हम मधुमक्खी लगाते हैं। अधिकांश मधुमक्खी पालक कुछ सुरक्षात्मक कपड़े भी पहनते हैं। नौसिखियां मधुमक्खी पालन करने वाले आमतौर पर दस्ताने और एक हुड सूट या टोपी और घूंघट पहनते हैं। अनुभवी मधुमक्खी पालक कभी कभी दस्ताने का उपयोग नहीं करने का चुनाव करते हैं, क्योंकि वे नाजुक जोड़ तोड़ को रोकते हैं। चेहरे और गर्दन को बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मधुमक्खियों की एक कॉलोनी में मधुमक्खी की तीन जातियां होती है। एक रानी मधुमक्खी जो आमतौर पर कॉलोनी में एकमात्र प्रजनन करने वाली मादा होती है। बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता मधुमक्खी आमतौर पर संख्या में 30,000 से 50,000। कई नर ड्रोन जो वसंत में हजारों से लेकर बहुर या ठंड के मौसम में बहुत कम होते हैं। रानी मधुमक्खी रानी छत्ते में एकमात्र यौन परिपक्व महिला है और सभी महिला कार्यकर्ता मधुमक्खियां और नर ड्रोन उसकी संतान है। रानी 3 साल या उससे अधिक समय तक जीवित रह सकती है और अपने जीवन काल में 500,000 अंडे या उससे अधिक का भार उठाने में सक्षम हो सकती है। प्रजनन के चरम पर गर्मियों में देर से वसंत एक अच्छी रानी एक दिन में 3,000 अंडे देने में सक्षम हो सकती है अपने शरीर के वजन से अधिक। हालांकि यह असाधारण होगा, एक विपुल रानी प्रतिदिन 2,000 अंडे दे सकती है, लेकिन एक अधिक औसत रानी प्रतिदिन सिर्फ 1,500 अंडे दे सकती है। रानी को एक सामान्य कार्यकर्ता के अंडे से उठाया जाता है, लेकिन सामान्य कार्यकर्ता मधुमक्खी की तुलना में शाही जेली की एक बड़ी मात्रा खिलाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मौलिक रूप में अलग विकास और कायापलट होता है। रानी कई प्रकार के फेरोमोन या रानी पदार्थ के उत्पादन और प्रसार से कॉलोनी को प्रभावित करती है। इन रसायनों में से एक हाइव में सभी महिला कार्यकर्ता मधुमक्खियों में अंडाशय के विकास को दबा देता है और उन्हें अंडे देने से रोकता है। कंदी शहद उत्पादन के लिए कई समान तकनीकों की आवश्यकता होती है, जो निकाले गए शहद के उत्पादन के लिए आवश्यक है। इसके अलावा कॉलोनी बहुत मजबूत होनी चाहिए और कंदी बनाने के लक्षण होनी चाहिए। कंदी शहद के रूप में प्रत्यक्ष खपत के लिए मधुकोश उसी वर्ष बनाया जाता है जब यह काटा जाता है। मधुमक्खी पालन के लिए कम समय धन और बुनियादी ढांचे के निवेश की आवश्यकता होती है। शहद और मधुमक्खी का उत्पादन थोड़ा कृषि मूल्य के क्षेत्र से किया जा सकता है। मधुमक्खी पालन के सकारात्मक पारिस्थितिक परिणाम है। मधुमक्खियाँ कई फूल वाले पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस प्रकार कुछ फसलों जैसे सूरजमुखी और विभिन्न फलों की उपज में वृद्धि होती है। हर फसल पे लगाते हैं, जैसा अजमा है, धना है, वड़ियाड़ी है, रचका है, चिकूड़ी है, सूर्यमुखी है, जंगली फूल है, ये सब पे लगाते हैं। तो जैसे भर जाते हैं तो हम ये नेट लगा के और सभी आदमी इकट्ठा होके मशीन लगा के ऐसे निकालते हैं। शहद एक स्वादिष्ट और अत्यधिक पौष्टिक भोजन है। मधुमक्खी पालन की शुरुआत व्यक्तियों या समूहों द्वारा की जा सकती है। शहद और मोम की बाजार क्षमता अधिक है।
दिस स्टोरी इज पार्ट ऑफ फ्लेवर सीरीज़।